नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा दमायास हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, क्या आप पेशाब करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, कष्ट फील हो रहा है, या फिर आपका रुक रुक कर पेशाब आ रहा है, पेशाब संबंधी कोई भी समस्या या परेशानी हो रही है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी रामबाण इलाज बताऊंगी, एक ऐसा घरेलू उपाय, ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगी जो कि चुटकियों में आपकी जो पेशाब संबंधी समस्या है, जो पेशाब रुक रुक कर आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, वो पूरी तरीके से छूमन हो सकती है। तो वीडियो को स्किप ना करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं अगली वीडियो लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, यानी कि कौन सा ऐसा घरेलू उपाय है जिसको करके अपना जो पेशाब में जलन है वो दूर हो सकती है, पेशाब जो रुक रुक कर आ रहा है वो समस्या दूर हो सकती है, कौन सा ऐसा घरेलू उपाय है। ध्यान से सुनना, समझना है आपको, मिस्टेक नहीं करनी है कि अपन ने ये चीज़ ले ली, वो चीज़ नहीं ली, ऐसा ना हो आपको कोई नुकसान कर जाए, इसीलिए आपको ध्यान से सुनना समझना है। अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अपन को लेना है दोस्तों बथुआ, जैसे कि बथुए का रस जो होता है वो अपने पेशाब में जलन या पेशाब का रुक रुक कर आना इन समस्याओं को दूर करता है, इसीलिए बथुए के रस का सेवन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, काफ़ी लाभकारी होता है बथुए का रस। अगर आप इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं तो एक और आपको उपाय बताती हूँ, उबला हुआ बथुआ लें। उबले हुए बथुए में दोस्तों अपन को नमक, जीरा, काली मिर्च, नींबू, ये चार चीज मिला करके अपन को उसका सेवन करना है, उसको पी लेना है, तो अपने जो पेशाब में जो कष्ट हो रहा है, जो जलन हो रही है, पेशाब संबंधी कोई भी समस्या है वो पूरी तरीके से दूर हो सकती है। क्या क्या लेना है, उबले हुए बथुए के अंदर लेना है अपन को काली मिर्च, नमक, नींबू और जीरा, ये चार चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इन सबको मिला करके अपन को उसका सेवन कर लेना है, तो पेशाब की जलन, पेशाब में जो कष्ट फील हो रहा है, जो रुक रुक कर पेशाब आ रहा है, वो पूरी तरीके से दूर हो सकती है। तो इनमें से कोई भी आप, इन दोनों में से कोई भी एक घरेलू उपाय अपना ले, चाहे तो बथुए के रस का सेवन करें या फिर उबले हुए बथुए का, आपको जो सही लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अपने वैद्य डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, कोई भी दवा या टेबलेट लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई औषधि के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं